Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Switch to the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the looks in the band. Legacies. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैन अदर गेमिंग वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो भाई लोग, आज फिर से हम कैरम पूल के अंदर रैंडम स्ट्राइकर चैलेंज करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं यार, मैं बता देता हूं, रैंडम स्ट्राइकर चैलेंज उसको बोलते हैं, हम रैंडमली एक बॉक्स ओपन करते हैं कोई भी, उसके अंदर जो स्ट्राइकर्स और पक्स निकलते हैं हम उनके साथ पूरा मैच खेलते हैं। इसको हम रैंडम स्ट्राइकर चैलेंज का नाम दिया है हम लोगों ने। तो भाई आज के इस वीडियो में हम रैंडम स्ट्राइकर चैलेंज करेंगे, तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, तो चलिए गाइस बगैर टाइम वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो भाई लोग, यहाँ पर पहला मैच हमारा लग चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, बॉक्स के अंदर हमारा ओमेगा स्ट्राइकर और चैंपियन पक्स निकले थे। तो भाई यहाँ पर मैंने ब्रेक तो किया बट कोई भी डिस्कोर्ट नहीं हुई, और यहाँ पर अभी ट्रन जो है वो हमारे ओपोनेंट के पास जा चुकी है, जिसने तूफान स्ट्राइकर ले रखा है और ब्लैक पक्स है और फ्लेयर पावर भी ले रखी है। इसके अलावा स्पोर्ट सीजन का फ्रेम भी है भाई साहब के पास, तो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त खेल रहे हैं यार। ठीक हो गया जी, गुड हो गया। और हाँ गाइज यार, वीडियो पर नहीं हो सॉरी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना भाई, लाइक ज़रूर करना यार, ज़रूर करो यार लाइक। A few inches later. सो भाई लोग, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमें चांस देने वाला है, तो इससे बेहतर है कि टाइम अपना वेस्ट ना करें और यहाँ पर पहला मैच हम लोग लीव कर देते हैं। और गाइज यहाँ पर दूसरी बार ट्राई करेंगे हम लोग, और यहाँ पर अगेन से हम न्यूयॉर्क के अंदर ही ट्राई करेंगे, तो ये दूसरा मैच लग चुका है। सो गाइज यहाँ पर हमारा दूसरा मैच लगा है मिरिकल के साथ, जिसका लेवल है 110। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसने भी तूफान स्ट्राइकर ले रखा है और नॉन पक्स हैं इसके पास, तो भाई काफ़ी मतलब ज़बरदस्त खेलते हुए। और यहाँ पर अभी ये कौन सी डिस्क, बॉटम राइट में लगाएगा या बॉटम नहीं, पहले बॉटम लेफ्ट में ये क्लियर कर देगा, उसके बाद बॉटम राइट में लगाएगा और अपने बाकी के पक्स जो हैं वो ओपन करने की कोशिश करेगा। 2000 years later. सो गाइज यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे ओपोनेंट की सिर्फ दो ही डिस्क बची और भाई फोल कर दिया। वाह यार क्या बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी यार। मैं तो बोल रहा था कि भाई हमें ये चांस नहीं देगा, ब्रेक टू फिनिश मारेगा, बट यार चांस दे दिया फाइनली इसने। और हमारी कुछ डिस्क हैं जो ख़राब पोजिशन पर हैं, उनको भाई पहले जल्दी जल्दी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर दो डिस्क हमारी पोर्ट हो चुकी हैं, अभी मैं यहाँ पर पोर्ट करता हूँ टॉप राइट के लिए। ये तीसरी डिस्क भी पोर्ट हो गई। इसके अलावा गाइज अभी मैं टॉप राइट के बाद अभी मुझे बॉटम राइट में पोर्ट करना चाहिए, तो इसके बाद भाई मैंने ओपोनेंट की डिस्क को भी पोर्ट कर दिया, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी गाइज यहाँ पर मैं पोर्ट करता हूँ फिर से बॉटम लेफ्ट में, और यहाँ पर मैंने अपनी एक और डिस्क ओपन कर दी, बट यार मेरी एक डिस्क जो है वो अभी भी क्लोज़ है, उसको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में खेलता हूँ, सो फोल ना हो जाए बस। ओ यार, अगर पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती, मैंने तो वैसे तो फुल पावर खींची थी बट स्ट्राइकर की पावर थोड़ी सी कम थी, वरना यार हमारी वो वाली डिस्क भी ओपन हो जाती। सो गाइज इस डिस्क के लिए मुझे स्लो बिल्कुल खेलना पड़ेगा, वरना ये डिस्क ऊपर से निकल जाती। तो अभी मैं बॉटम राइट में खेलूंगा और आई होप यार ओपन हो जाए। ओ भाई यार, अगेन से पावर की कमी की वजह से हमारी डिस्क ओपन नहीं हुई, तो मुझे लगता है यार हम लोग क्लोज़ हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी यार हम ट्राई ज़रूर करेंगे यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो तो सुना ही होगा आप लोगों ने। और टॉप राइट के लिए यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। शिट, चलिए गाइज यार बहुत हो गया, अभी दिखाते हैं इनको पावर ऑफ जॉमोट। और यहाँ पर हमारा मैच लग चुका है शेख के साथ, जिसने बाली स्ट्राइकर ले रखा है और उसके साथ इंचेंट पक्स भी हैं इसने ले रखे हैं। और गाइज यहाँ पर जो ट्रन है वो हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि अपने पक्स ओपन करने की कोशिश की थी उसने बट नहीं हुए, तो यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया। और गाइज यहाँ पर हमारी एक डिस्क पोर्ट हो गई, और दूसरी को गाइज मैं बॉटम राइट में पोर्ट करूँगा, और इसके ज़रिए मैं अपने बाकी के पक्स ओपन करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुझे लगता है कुछ हद तक हमारे एक दो पक्स ओपन हो गए हैं, तो कोई बात नहीं यार, अब उनको यूज़ करके हम अपने बाकी के भी पक्स ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार मुझे टॉप लेफ्ट के लिए पोर्ट करना चाहिए, तो क्योंकि यही यार थोड़ा सा इजी चांस है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास भाई हमारी तीन डिस्क ओपन हो चुकी हैं, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैं पोर्ट करूँगा टॉप राइट के लिए। तो यहाँ पर ये टॉप राइट में भी गई, और अभी अगेन से टॉप राइट के लिए मैं पोर्ट करूंगा। और आई होप यार हमारी जो दो डिस्क फंसी हुई हैं यार, ये तो गलत सीन हो गया, बिल्कुल गलत। अभी यार हमारी वो डिस्क भी बिल्कुल ख़राब पोजीशन में जा चुकी हैं,
तो पहले यार इसको पोर्ट कर देते भाई, अभी मुझे कोई चांस नहीं लग रहा, ट्रन जो है वो ओपोनेंट को देनी ही पड़ेगी। बट फिर भी यार थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर गाइज नहीं हुआ तो हो, यार मुझे लग ही रहा था नहीं होगा। तो यार जो चांस है वो हमारे ओपोनेंट के पास जा चुका है, तो नाइस ट्राई हमें बोल रहा है। तो देखते हैं ये किस तरह खेलता है और इसका क्या किस तरह का गेम है। तो मतलब यार ओ भाई हमारी एक और डिस्क भी इसने पोर्ट कर दी, हमारी सिर्फ लास्ट डिस्क रहती है। तो भाई अभी भी उम्मीद है थोड़ी बहुत विन करने की, क्योंकि ओके बॉटम लेफ्ट में ये भी पोर्ट कर दी इसने। A few moments later. So guys, यहाँ पर जो हमारा ओपोनेंट शेख है उसने अपनी लास्ट डिस्क, सेकेंड लास्ट डिस्क भी पोर्ट कर दी, सिर्फ लास्ट डिस्क रहती है इसकी। अगर ये टॉप लेफ्ट, ये भाई फॉल होगा इसका गारंटेड। म्यूजिक सो भाई लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यार इसका फॉल होगा, तो कन्फर्म फॉल भी हो गया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर रैंडम स्ट्राइकर चैलेंज का मैच हम लोग विन कर चुके हैं। सो भाई लोग, यार ये गेम प्ले और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना यार। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। समझ ना सके कुछ लोगों के हम प्लान, कर कुछ अलग तो साले कर देते हैं बैन।